हेलो दोस्तों, दिस इज़ बी डी फोर आई टी जे डब्ल्यू बी आर्च। दोस्तों, ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पेपर में पूछे गए हैं और हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में से पक्का दो या तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे हर एग्जाम में, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो और अच्छे से समझना। द कलर ऑफ ब्रुकलिन इज, द कलर ऑफ ब्रुकलिन इज क्या है? वाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सन ऑन द आउटर साइड ऑफ रेनबो? दोस्तों, शायद आपको ये पता होगा क्या होता है, वायलेट, फिर भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग? इंसुलेटेड रूफ। दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, ये सभी कई बार पूछे हुए हैं और ये आपको अभी भी एग्जाम में मिल जाएंगे ज़रूर। इनमें से तीन या दो क्वेश्चन 100% पेपर में ज़रूर आएंगे। विंटर सन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इट राइजेज फ्रॉम, जो विंटर सन होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ से होता है, कहाँ से राइज होता है? ये होता है ईस्ट से। कहाँ से? ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर विंडो गेट्स लेस हीट फ्रॉम विच डायरेक्शन? तो किस डायरेक्शन से जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो विंडोज होती है, वो कम हीट को गेन करती है? नॉर्थ। किस डायरेक्शन से? नॉर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज राइजेज फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा था विंटर सन, अब दोस्तों ये क्या है? ये है समर सन। तो समर सन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इज राइजेज फ्रॉम, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल शेडो लेस लाइट इज अवेलेबल फ्रॉम विच डायरेक्शन, यानी नेचुरल शेडो लेस लाइट होती है वो किस डायरेक्शन से आती है? ये होती है नॉर्थ। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साउथर्न हेमिस्फीयर विंडो गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम विच डायरेक्शन? अब दोस्तों, इसमें पूछा है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंडोज होती है वो कहाँ से मैक्सिमम हीट को गेन करती है, किस डायरेक्शन से? तो ये होता है नॉर्थ से। किस से? नॉर्थ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सन इज हाई इन स्काई साइज ऑफ द शेडो विल बी? दोस्तों, आपको एक चीज़ शायद पता हो कि सन जो होता है वो जितना ही ऊंचा होता है उसकी जो शेडो होती है, उसका जो साइज होता है वो उतना ही कैसा होता है? वो उतना ही छोटा होता है, उतना ही शॉर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल शेडिंग डिवाइस आर बेस्ट फॉर विच डायरेक्शन? जो वर्टिकल शेडिंग डिवाइस होता है वो किस डायरेक्शन के लिए बेस्ट होता है? ये होता है ईस्ट एंड वेस्ट। किसके लिए? ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री शुड प्लांट इन विच डायरेक्शन फॉर गेटिंग मिनिमम हीट इन समर एंड मैक्सिमम इन विंटर? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको किस डायरेक्शन में उगाना चाहिए जिससे कि वो समर में, यानी कि गर्मी में कम से कम हीट दें और सर्दियों में मैक्सिमम हीट को गेन करें? ठीक है ना, तो ट्री जो होते हैं उनको किस डायरेक्शन में उगाना चाहिए? उनको साउथ डायरेक्शन में प्लांट करना चाहिए। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन फेसिंग विंडो विल नॉट रिसीव सनलाइट इन विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर? तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका होगा साउथ। क्या होगा? साउथ। दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे होंगे ना? हाँ, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन भी बना रहता है, इसलिए इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन ओपनिंग इन विच डायरेक्शन इज नॉर्थन हेमिस्फीयर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन एन ओपनिंग इन विच डायरेक्शन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा नॉर्थ। क्या होगा? नॉर्थ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, यानी 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, 1 हेक्टेयर में 1000 स्क्वायर मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 1000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉलम इन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में दोस्तों कितने कॉलम होते हैं? राष्ट्रपति भवन में 144, कितने होते हैं? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का दोस्तों आर्किटेक्ट कौन है? तो रेड फोर्ट का आर्किटेक्ट है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,